हसीना। हाय, हेलो, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया हूँ, और ना मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भी लाया हूँ, ये लो। उफ, पाके किसी से तोहफा, खिल उठा मेरे दिल का सोफा, चमक उठी उम्मीदों की चेयर, दिल की गाड़ी इन टॉप गियर, इश्क का एसी चालू है। मैं भी बहुत चालू, मेरा मतलब है कि मैं भी इश्क के इस एसी की हवा खाना चाहता हूँ। सच? सोच लो, मैं हूँ हसीना, मुश्किल कर दूंगी जीना। मैंने सब सोच लिया है, मेरी अभी तक कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, और मेरी तो सरकारी नौकरी है, और मैं दिखने में भी गोरा चिट्टा हूँ, और बुरी बुरी आंखें मेरी, और देखो मेरे बाल भी अच्छे हैं, और बस मैंने तुम्हें जब से देखा ना, तुम्हें देखते ही ना मैं और क्या बोलूं, बस, मैं बस बस बस, तुम बनना चाहते हो मेरे बजर बट्टू, दिल में चलाना चाहते हो मोहब्बत का लट्टू। सच कहूं, मैंने जब तुम्हें देखा था ना, तो मेरे दिल के मोबाइल में रिंगटोन बजी थी, टिंग। तो उठा लो ना मेरे दिल की कॉल, खत्म हो जाने दो संकोच का टॉक टाइम। हसीना, मैं आज यहाँ तुमसे जो कहने आया हूँ ना, वो कहे बिना मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। तो बोलो ना, क्या कहना है तुम्हें, मेरे दिल में रहना है तुम्हें, बोलो ना, प्लीज बोलो ना। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आई हसीना, अरे ओ हसीना, तू यहाँ बैठी है धूप में, धूप सेक रही है। अरे मैंने तेरे लिए पकौड़ी बनाई है, तेरी फेवरेट कद्दू की पकौड़ी, चल चल के खा ले, टमाटर नहीं दूंगी। कुसुम कली, यहाँ छूट गए मेरी मोहब्बत के घोड़े, दुनिया चला रही है हमारे ऊपर जुल्म के हथौड़े, और तुम यहाँ घर में टकाटक तैयार होके बना रही हो पकौड़े। यही सही टाइम है, चलो भाग चले। अरे एक मिनट, अरे हसीना बचा, मेरा हाथ छुड़ा इस बंदे ने। चलो चलो चल, भाग भाग ना, चल ना, याद वेलफेयर, इसकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई इसकी हिम्मत मेरी साली को छेड़ने की और मेरी बीवी को भगा ले जाने की। मुझे शांति पसंद है। वेल सर, वही आपको रहा हूँ मैं बता इसदा, इसमें नहीं है इसकी कोई खता इसदा। तुम्हारा मतलब मेरी साली खुद ब खुद छिड़ गई और मेरी बीवी खुद ब खुद इसके साथ भाग गई। मुझे शांति पसंद है। सर शांति तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं शांति को पसंद नहीं। बात को घुमाने की कोशिश मत करो, जल्दी बताओ बात क्या है, जवाब दो वरना मैं इसे सस्पेंड कर दूंगा। वेल सर, आप इसको सस्पेंस मत कीजिए। सस्पेंड या दिस वन सर, इसको भूलने की बीमारी है सर। नहीं मानता मैं नहीं मान सकता कि कोई इतना भूल सकता है कि भूल भूल में वो इतना भूल जाए। मुझे शांति पसंद है। अंतर अंतर अंतर, मुझे टॉपी दिलाओ ना, मुझे टॉपी दिलाओ ना, नहीं तो मैं जाके अंतित बोल दूंगा कि आप ताम वाली भाई ऊता के साथ में ना गार्डन में थे और फिर वहां पर दो फूल ऐसे मिल गए थे। नहीं रुक रुक, कुछ हुआ था क्या? देखा सर, बेचारे को भूलने की बीमारी है, तो इसका इलाज कराओ, इलाज कराओ इसको।
और चंद्रमुखी चौटाला कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। ओ जी, राउंड पे गई है। और उनकी वो बहन जिसे मैंने यहाँ बुलवाया था वो भी नहीं आई अब तक। दीदी, दीदी, हेलो एवरीबॉडी, दीदी, मेरी बोरिंग प्यारी दीदी, कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, देखो कौन आया है। अरे तो ओ चश्मेश, कहाँ रह गई बैटरी? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड? तुम चंद्रमुखी की बहन हो? हाँ हाँ, चंद्रू मेरी बहन है और मुझे कुछ नहीं सहन है। और तुम शक्ल से इंस्पेक्टर और कपड़ों से आईजी लगते हो। मैडम की बहन कुछ बदतमीज नहीं है? पहली बार देखा है ना हमने। सही पहचाना बेटा, मैं आईजी, मैं हूँ आईजी भाई जी चोपड़ा। शांत रखना चाहिए अपना खोपड़ा, मुझे शांति पसंद है। That's nice, लेकिन जल्दी बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरा एक कबड्डी का मैच है और उसके बाद मुझे बाइक रेस में भी जाना है। I'm a busy girl, unlike you, inspector. देखो बेटा, क्या है कि मैंने कल तुम्हें कुछ गुंडों के साथ मारपीट झगड़ते हुए देखा। यस यस, दैट इज मी। जरूर देखा होगा, लोगों को तोड़ने और फोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। जल्दी बताओ किसे फोड़ना है? नहीं, किसी को तोड़ना या फोड़ना नहीं है, बल्कि इस आदत को छोड़ना है। देखो बेटा, क्या है कि ये मारपीट, ये झगड़ा करना, हिंसा, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपनी बहन को देखो। ओ करली, बहन यहाँ है ही नहीं तो कहाँ से देखूं? तुम अपनी बहन को देखो, मतलब कि उसका स्वभाव देखो, वो कितनी शांत, सरल, मीठी, स्वीट, लोगों के साथ कितनी विनम्रता से बात करती है, कितनी भावुक लड़की है। और एक तरफ तुम हो कि तेज तरार, मारधाड़, हिंसा में विश्वास रखने वाली लड़की। मुझे शांति पसंद है। हाँ, क्या शांति? को ये मालूम है कि आपको शांति पसंद है? समझी नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बापू ने कहा था कि हिंसा अच्छी चीज नहीं है, हमें शांति के साथ रहना चाहिए, हमें प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए, धीरज से काम लेना चाहिए। धीरज? धीरज का तो नाम, मतलब धीरज से एक दिन काम लिया था, उसको एक काम कहा था कि यूसुफ मुर्गी वाले की मुर्गियां चुरा लाए, कुत्ता ले आया। इनफैक्ट नीरज ने फिर भी 3 मुर्गियां चुराई थी। चोरी चकारी में नीरज बेटर है, धीरज नहीं। धीरज इज यूजलेस। अरे रुको, एक मिनट, मैं तब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? आपने तो कहा था आपको शांति पसंद है, लेकिन मुझे लगता है आपको अशांति पसंद है। आपको गुस्सा आ रहा है इंस्पेक्टर? है, मैं किसको किसको गुस्सा आ रहा है और कहाँ गुस्सा आ रहा है? कहाँ? तुमको आ रहा है, चौकी में आ रहा है। तुम जाओ, तुम जहाँ से जाओ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें यहाँ समझाने के लिए बुलाया। तुम जाओ यहाँ से, मुझे शांति पसंद है। ओहो झौआ अंकल, एक गलती तो भगवान भी माफ करता है, तो हम तो इंसान हैं। आई फॉरगिव यू फॉर योर फॉली एंड आई एम गोइंग नाउ। ए भोंडे, दीदी को कहना आज रात मैं घर नहीं आऊंगी। और लौंडे,
अगर जिंदगी बर्बाद करनी है तो मेरे दोस्त बन जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा सिवाय इस जंगल के, सतपुड़ा का जंगल। सर ये थोड़ी सी बदतमीज है, हो जाएगी ठीक। थैंक यू भैया, ये ऐसे बहुत तकलीफ होती है ऐसे खड़े रहने में, इतना कर दूंगा अब ये निकल जाएगा। ये मुंह खोल खोल के मेरा मुंह सूख गया ऐसे। अबे 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 बदतमीज, अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटा नहीं सकते बे? वेल सर, जो दरवाजे पहले से ही खुले हों उन्हें नहीं है खटखटाया जाता, जो इश्क करता है वो गाना है गाता इसदा। सर हम उसे मच पाइए कुछ, मुझे सब मालूम है आपके दिल में क्या चल रहा है। ले ले ले। हमारे दिल में कुछ नहीं चल रहा है, कुछ है ही नहीं, चलो अपना काम करो बे, चलो निकलो। फट 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 फट। सर इश्क और मुश्क वो आग है गालिब, जो लगने से नहीं लगती, जो एक बार लग जाए फिर बुझाने से नहीं बुझती। मुझे मालूम है सर आपका दिल मॉम के प्यार के लिए ढेंचू ढेंचू करता है, करता है ना सर, करता है ना। करता है। काफी गहरी बातें करते हो गोपी, दिल ढेंचू ढेंचू करता है। वाह, अब तुमसे क्या छुपाए हुए, तुम्हें तो सब पता ही है, हम मिस चौटाला से अपनी दिल की बात आज तक नहीं कह पाए, और उनसे शादी भी करना चाहते वो भी इजहार नहीं कर पाए, क्या करें बे हम। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप चाहे तो आपका काम ये हो सकता है। हो सकता है, कैसे हो सकता है बे? सर मेरे पास एक आइडिया है, अगर आपने मान इज्दा आप मॉम के बन सकते हैं सलमान इज्दा। पहले ना बुझावे और बता हम क्या करें। एक मिनट, ये ले 10 रुपए और आइडिया बाहर निकाल। एक्सक्यूज मी सर, मैं इतना बिकाऊ नहीं हूं कि 10 रुपए में अपना ईमान बेच डालू। 100 रुपए? नॉट एट ऑल इज द, जयपुर में खुल गया है नया मॉल इज द। यू ग्रीडी मैन, ये ले 500 रुपए, हम तेरे मुंह पे मारते, ये ले। आइडिया निकाल जल्दी। सर आइडिया ये है, लड़की के दिल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे पहले बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके भाई को पटा लो। 500 रुपए वापस लो। Why? अरे भाई कहां से लाए बे, उनका भाई नहीं है पैदा करे। सर भाई ना सही तो बहन तो है ना सर। सर यू आर सो लक्की, आपको मालूम है मॉम की बहन आई हुई है, आप उसको पटा लो, मामला खत्म। क्या वो हमारा काम कर लेगी तुम्हें लगता है ऐसे? सर कैसी बातें कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे कई लड़कियां हैं पटाई इसदा, बाद में बटी है मिठाई इसदा। चलो ठीक है गोपी, हम तेरे आइडिया का इस्तेमाल करेंगे, पहले हम उनकी बहन को पटाएंगे, उसके बाद अपने दिल की बात उन तक पहुंचाएंगे। कैरी ऑन। 110 किया, हम तुझे 1000-2000 दे देते बे आइडिया के लिए। मिस चौड़ाला I'm coming. लाका तिकाल आ चुका है, पत उते तिकाल बनाने की देर है, अब और देर नहीं करनी चाहिए, अब शिकार हमारे कब्जे में होना चाहिए। दूध दूध आई दी की थाली। कोई नहीं आए जाए क्या, ना धर्मशाला खोल रखी मैंने,
कि ससुराल में आया अपनी कतई जमाई खातिर जब चाहे सो गए तकिया लेके बिल्कुल ही बाजू के नीचे। घर पे नींद क्यों नहीं पूरी करके आता अपनी? कैसे सोता जी, सुबह 4 बजे आईजी साहब ने अपने घर पे बुला लिया मुझे जी। क्या आईजी ने क्या 4 बजे गुइयां छिलवानी तारे से? नहीं जी, वो तो मैं एवी ना उनके ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए बोल दिया भी मैं मालिश बहुत अच्छी करता हूँ जी। फिर उन्होंने सुबह 4 बजे घर पे बुला लिया करवाने मालिश इसका 40 के बाद आता है 41 इसका। बहुत सही, वेरी नाइस। यो जो बचे कुछ कुछ चंद महीने है ना जीवन के, परमात्मा से मिलन को लिए जो टाइम बचा है उसमें एक चंपी मालिश पार्लर खोल ले बढ़िया वाला, मिनी स्कर्ट पहन के और मोमो खाते हुए। सॉरी सॉरी। एक ही आई जी है कतई बिल्कुल बस गए हैं सबीवी और ससाली संग, ये नहीं कि जाए ये मफत खोर कहीं के बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड, मैं तो कब का आ गया। वैसे मैडम जो अभी अभी आपने एक बात कही ना, ये बिल्कुल 100% की बात आपने कह दी। ये जितने बड़े अफसर होते हैं ना मैडम, ये काम के ना काज के होते हैं, सिर्फ मन भर अनाज के होते हैं। मतलब सिर्फ मुफ्त खोरी से लेना देना होता है इनका, बाकी कोई काम नहीं कुछ नहीं, बस बैठना है, खाना है, घूमना है, फिरना है, मजे करना है। अब मैडम दूर क्यों जाना, मेरे घर में ही देख लीजिए। यार बड़ा अफसर तो फिर मैं भी हूँ। मैडम हटके भी तो फिर कुछ होते हैं ना। धीरे चलाया करो गाड़ी, जरा आराम से। अबे आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। जय हिंद सर। हाय। गुड मॉर्निंग सर 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 सर। वाह 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 वाह। मिस चंद्रमुखी चौटाला। लेट्स मी सर। एक आप हैं और एक आपकी बहन। जी जी सर, इस बात का तो मन ने पहले से ही इल्म था सर, और मैंने आपसे जिक्र भी करा था सर और वारन भी करा था सर कि हाँ। आप ऐसी अशिष्ट छोरी से ना ही मिले, पर यू वर कीन सर, तो क्या कह सकती हूँ मैं। मैडम आपकी जो बहन है उन्होंने सर को ऐसी ऐसी बातें कहीं, ऐसी ऐसी बातें कहीं कि सर ना पूरे पागल हो गए। एक मिनट, क्या तुम्हारा मतलब क्या है हा? कहने का कि मैं पहले आधा पागल था और बाद में पूरा पागल हो गया? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है सर कि मैडम की जो बहन है बहुत बदतमीज है। जी सर, इसमें तो कोई दो राय ना है सर कि शी इज बदतमीज। इनफैक्ट मैं सर मेक श्योर करूंगी कि ईब वो दोबारा आपके समक्ष कभी ना आए सर, और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर 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 सर। नहीं 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 मिस चौटाला, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप नहीं बल्कि आपकी बहन माफी मांगेगी, वो भी मुझसे नहीं आपसे, वो भी मेरे सामने। मुझे शांति पसंद है सर। सर